भिलाई निगम में नेता प्रतिपक्ष के बैठने की व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है, जिसे लेकर निगम परिसर के अंदर नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने खुले में पेड़ के नीचे ही भिलाई की जनता की समस्याएं सुनने के लिए एक जगह चयनित की है, जहां बैठकर भिलाई वासियों की समस्याओं को सुनकर उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल 14 नगर निगम स्थापित है, जिनमें से 13 नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था बना दी गई है। हालांकि निगम के कानून की किताब में ऐसा कोई नियम नहीं है, बावजूद इसके 13 नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के पद को सम्मान देते हुए यह कदम उठाया गया है। वहीं दूसरी ओर नगर पालिक निगम भिलाई में अब तक नेता प्रतिपक्ष के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है। इसके पूर्व निगम भिलाई में नेता प्रतिपक्ष के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था की गई थी, जिसे लेकर के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने निगम परिसर में बैठकर निगम की जनता की शिकायतें सुनने और उसके निराकरण करने के लिए एक स्थल का चुनाव किया है, जिसका निरीक्षण भी किया जा चुका है। यह स्थान निगम परिसर में एक पेड़ के नीचे चयनित किया गया है, जहां नेता प्रतिपक्ष टेबल और कुर्सी लगाकर आम जनता की समस्याएं सुनेंगे। निश्चित आज हम लोगों ने पूर्व में आवेदन दिया है और आवेदन के साथ साथ में मौखिक प्रतिवेदन भी किया है कि नगर पालिक निगम में लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम हैं, 14 नगर निगम में 13 नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के तय कर दिया गया है संगठन के द्वारा, जिसमें 12 लोगों को सभी नेता प्रतिपक्षों को चैम्बर मिल चुका है। मेरे को एक भिलाई नगर निगम के द्वारा भी मेरे प्रयास निरंतर जारी है, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है। चूँकि मुझे यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बनाया गया तो मेरा दायित्व बनता है कि यहाँ के लोगों की जनता के बात सुनूँ और मेरे अपने जितने भी पार्षद हैं, विपक्ष के पार्षद हैं, उनके साथ बैठूँ। तो आज हमने एक जगह तय किया है कि इस जगह में होना है, बैठना है करके। तो तारीख देख करके हम पंडित जी से वास्तु पता करके जो भी जिस दिन भी अच्छा तारीख दिख रहेगा, चाहे वो सोमवार हो चाहे मंगलवार हो, 10 दिन के अंदर में एक तारीख तय करके हमको इसी जगह में बैठने के लिए हमने स्थल निरीक्षण आज किया है। देखिए क्या है, पूर्व और वर्तमान वाली बात तो खैर बात की बात है, चाहे पार्लियामेंट में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे नगरीय निकाय क्षेत्र में नगर निगम में हो, सभी नगर इसमें एक ये है कि आपको देना है, वो लीगल तो नहीं, मतलब उसमें नहीं लिया जाता है कि इसको वास्तविकता के तौर पे, लेकिन एक सिस्टम में बंधा हुआ है। जिस प्रकार से सब जगह नगर निगम में दिया, उसे भिलाई में भी देना चाहिए। मैंने मांग किया है आयुक्त महोदय से और देखते हैं, जल्द से जल्द अगर मिला तो ठीक है, अन्यथा इस जगह को हमने चयन किया, इस जगह में जल्द हम अपने भिलाई की वासियों की बात सुनने के लिए यहाँ बैठेंगे। नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने कई बार निगम प्रशासन को इसके लिए पत्र व्यवहार और मौखिक रूप से कहा था, जिस पर कोई प्रतिक्रिया न मिलने की स्थिति में उन्होंने यह कदम उठाया है। देखना होगा कि नेता प्रतिपक्ष क्या खुद के द्वारा चयनित किए गए जगह पर ही अपना दरबार लगाते हैं या फिर निगम भिलाई उन्हें सम्मानपूर्वक उनके बैठने की जगह सुनिश्चित करता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।